फेडरल फेडरलिज्म fat है क्या फेडरलिज्म का मतलब ये है कि पावर किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास पूरी नहीं है पावर डिवाइडेड है सेयर्ड है किस गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट के पास पावर सेयर की गई है मतलब किसी एक गवर्नमेंट के पास पूरी पावर नहीं है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी हेड है पी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर और इस्टेट की हेड है सी चीफ मिनिस्टर तो हर एक की अपनी एक पावर है तो ये एक सिस्टम है फेडरली ले, फेडरलिज्म का फेडरलिज्म का मतलब ये है कि पावर किसी एक को पूरे देश की पावर नहीं दी गई है पावर को शेयर किया गया है तो फेडरलिज्म जिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड एंड सीयर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी पावर को डिवाइड किया गया और शेयर किया गया मतलब कुछ चीज़ों के फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी कुछ चीज़ों के फैसले स्टेट गवर्नमेंट लेगी पावर किसके बीच डिवाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर को डिवाइड किया गया है, शेयर किया गया है गवर्नमेंट्स के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर है स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट रिटेन सर्टेन पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी गवर्नमेंट है उसके पास अपनी कुछ अथॉरिटी है कुछ पावर है कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप देखो पावर है तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी तो power, इतनी पावर अथॉरिटी और रेस्पांसिबिलिटी जिसे जितनी पावर देगी उसके पास उतनी ही रेस्पांसिबिलिटी है उससे काम करने की तो फेडरलिज्म का मतलब ये है कि पावर को शेयर किया गया बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक के पास पूरी पावर नहीं है federalism aims to balance centralized governance with regional autonomy इससे प्रमोट हो रहा है क्या कोपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखो गवर्नमेंट किसी एक लेवल पर नहीं है हर एक लेवल पर है लोकल लेवल पर भी है स्टेट के लेवल पर भी है और सेंट्रल के लेवल पर भी है तो पावर को शेयर किया गया है या डिवाइड किया गया है बट ये सारे पावर आपस में कोऑपरेट करते हैं यह सारे लेवल तो गवर्नमेंट के हैं कोऑपरेट करते हैं तो किसी चीज़ों मतलब इनके सब्जेक्टिवाइड हैं किस मैटर पर कौन फैसले लेगा तो वो अपने अपने मैटर पर फैसले लेते हैं तो पावर का डिवीज़न हुआ है बट ये आपस में करेंगे कोऑपरेट अलग अलग नहीं चलेगा तो इनके बीच में कोऑपरेशन रहना है और पावर का डिवाइड भी होंगे में फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएंगी तो फेडरलिज्म का मतलब ये है कि पावर को शेयर करना बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड एट द लोकल लेवल जिससे कि पावर भी पावर भी बढ़ेगी और जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाएंगी